आज की इन वीडियो फिजिक्स से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4×10⁻¹⁰ मीटर है। यह प्रश्न क्लास 12 के एग्जाम में यूपी बोर्ड 1988 में आ चुका है, तो पुनः आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियो प्रतिदिन अपलोड कर जाते हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, दिया है यहाँ पर, लिख लेते हैं, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना करना है, हमें एफ का मान हमें निकालना है। ठीक, दो प्रोटॉन है, ठीक, और इनके बीच की जो दूरी दी गई है आर का मान वो कितना दिया गया है, 4×10⁻¹⁵ मीटर। ठीक, और ये बताओ प्रोटॉन पर आवेश धनावेश होता है ना, तो यहाँ पर 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। ठीक, और जो दूरी दिया गया है 4×10⁻¹⁵ मीटर। ठीक, तो दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल का फार्मूला क्या लगेगा, कूलम के नियम से 1/4πε₀ × Q₁ × Y₂। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/4πε₀ का मान क्या होता है, 9×10⁹। Q₁ Q₂ का मान रख देते हैं यहाँ से, 1.6×10⁻¹⁹ × 1.6×10⁻¹⁹ अपान आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2×2 होगा 4×10⁻¹⁰ × 4×10⁻¹⁰। ठीक, क्या करेंगे हम, ऊपर 100 से गुणा कर देंगे तो 10 से यहाँ पर जाएगा, पॉइंट इधर चला जाएगा और यहाँ पर, तो इसका मतलब 100 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे क्या आएगा, 16×16⁻¹⁹ जुड़ जाएगा ना, −19 −19 क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, माइनस के अपान 4×16×10⁻¹⁰ है और −15 है, क्या हो जाएगा, 10⁻³० हो जाएगा ना, और सबसे गुणा किया है तो 10³ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 से 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। अब क्या बचेगा हमारे पास, 9 है तो 144 होगा ना। ठीक, गुणे 10⁻⁹ है यहाँ पर, यहाँ पर 38 है तो +9 है −38 है, क्या होगा, घट जाएगा, तो 8 निकालो इसमें 30 और 29, 10⁻⁹ बचेगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, 10⁻⁩ है यहाँ 2 है तो 10⁻²⁸ बचेगा। क्या करेंगे, यहाँ से 10 हम ले लेते हैं, यहाँ से कैसे इधर कर लेते हैं, F=2 मान लीजिए, यहाँ पर 144 तो ही है, 10⁻²⁸ इसको लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 10⁻⁹ ले रहे हैं, निकाल दे रहे हैं बाहर। ठीक, 10⁻²⁸, ये 10⁻², ये कट जाएगा। ठीक, अब ये 10⁻⁹ के नीचे आएगा, प्लस में हो जाएगा ना घात में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 144/10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 3.4 पॉइंट यहाँ लगा रहता है ना, तो ये पॉइंट जो है डिवाइड से जो है अंदर इधर आ जाएगा। ठीक, लेफ्ट साइड में, तो हमारा यही आ जाएगा बल का मान, तो एफ का मान जो होगा वो 14.4 न्यूटन, हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी में दिया गया था मात्र, यही हमारा आंसर हो जाएगा 14.4 न्यूटन। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा आज की स्पीड में।
में बस इतना ही। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर आप करिएगा।